कि चाहिए बिक रहा है अरे बट ये बिक रहा है लेकिन ये चीज़ तो आग अगर आग लगी तो आग तो भड़का रहे हैं नहीं बड़ी बिक रहा है इससे प्रॉफिट होगा आप बदल कैसे सकते हैं और अगर आप बदलते हैं तो लोग बोलते हैं ना पैसा आ गया तो बदल गया नहीं नहीं पैसा आया वो बदला नहीं जब पैसा आया तो उसकी असलियत बाहर आई चमन में इख्तलात रंग वू से बात बनती है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं जैसी जर्नी वैसी भरनी जर्नी बहुत तो परमात्मा का कर्म रहा है मतलब कितने आज सैंतीस साल होने आए हैं मे बी भी थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी सिक्स सेवन यहाँ थर्टी एट होने आए तो अब इतने साल तक रहना काम है लोगों का प्यार है अच्छा काम भी मिल जाता है सरल सी जिंदगी जी पाया और मेन वही है कि अपने काम की एक पहचान एक लोगों में एक उस काम के लिए प्रेम इज्जत वो बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडस्ट्री में भी जो भी एक एक थोड़ी एक इज्जत कमाई है लोगों में रिस्पेक्ट तो मेरी जो मुझे पता भी नहीं था मैंने सोचा भी नहीं था मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा मुझे बिल्कुल मेरे फादर भी वो बाई कहते ना लग बाई चांस वो मतलब प्योरली फॉर सर्वाइवल कि हालात ऐसे थे कि अब कुछ तो करना है और फिल्म आ गई तो काफ़ी पैसे कितने मिलेंगे तो उस वक्त पैसे ही इंपॉर्टेंट थे कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो आदमी बोलता है कि पैसे कितने मिलेंगे तो इतने मिलना तो फिल्मों में आ गए हम जब आए हमारे फादर ने हमको जो भी एजुकेशन बेस्ट ऑफ उन्होंने कहा भाई पढ़ाओ तुमको जो करना है करो उस वक्त मुझे भी फिल्म ने बुलाया मैं गया नहीं मैं अपने काम में लगा मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ मेरा कोई एक अल्टीमेट एम या लक्ष्य नहीं था कि मुझे ये बनना है पता नहीं मैं एक ऐसा कंफ्यूज था कि क्या करना है अब और फिल्म का ऑफ़र आ गया और फिर में चला गया और फिर जहाँ ये दरिया लेता गया मैं उसके साथ बहता गया आ, मेरे बेटे के साथ भी आज वही हुआ कि हमने उसको अमेरिका में पढ़ाया बाकी कराया लेकिन फिल्म ने उसे बुला लिया चला गया तो वही है कि आप जर्नी में उतार चढ़ाओ वो तो होते रहेंगे और आप किस तरह से उन उताव चढ़ावों को रखते हैं कि आप अपना बैलेंस रखते हैं क्या बैलेंस खो देते हैं कि कभी कभी किसी के पास जब कुछ नहीं होता है तो एक अलग रवैया होता है और जब बहुत कुछ आ जाता है तो रवैया बदल जाता है यू you नो know, तो आई थिंक वो जब बैलेंस रखना कि यू नो क्या है वो भी बड़ा तो कुछ याद आ जाता है शेर बहादुर शाह फ़र का एक शेर था जफर आदमी उसको ना जानिएगा हो कैसा ही साहिब फैमो ज़क़ा जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा तो ये जो होता है कि आपके आप जब यहाँ हैं और आप यहाँ हैं आप बदल कैसे सकते हैं और अगर आप बदलते हैं तो लोग बोलते ना पैसा आ गया तो बदल गया नहीं नहीं पैसा आया वो बदला नहीं जब पैसा आया तो उसकी असलियत बाहर आई ये वो था हमेशा तो बोलते हैं बदल के। बदलता नहीं है आदमी जो होता है वो निकल के आता है कि आप पैसा है पावर है मेरे पास तो कोई भी फील्ड में लीजिए आप बिज़नेस में पॉलिटिक्स में जब पावर या पैसा आता है तो इंसान जो है उसकी असलियत बाहर आती है तो हमारे फादर ने हमको यही सिखाया कि भई ये अपने आप वो वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका अब जो पुराने थे उनको मैंने वैसे ही देखा अब जो मेरे फादर के वक्त के थे अब तो बहुत कम साथ ही रह गए उनके आई थिंक दिलीप साहब लास्ट थे मेरे फादर गुजरे 2020 में दिलीप साहब उसके बाद एक साल बाकी जो वो साथी थे उनके जो उस वक्त सब हैवीबड इज़ कोई नहीं यू नो you know, तो अब अब फॉर एग्जांपल बाद में बने जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए धर्म जी आए इनको मैंने वैसे ही देखा आज भी वैसे ही है जब मैं बचपन में उनको देखा था वैसे ही थे आ, तो उनका रवैया मैंने देखा कि वैसे ही है डायरेक्टर्स में अब सूरज भाई ज़्यादा मतलब वही बीस साल हो गए होंगे जब देख रहा हूँ वैसे ही है लेकिन उससे पुराने और बाकी लोग हैं नहीं लेकिन जो थे वो बदले नहीं थे अब आ, तो आई थिंक हैं आज भी लेकिन जो मेरे साथ जो चले हैं कुछ लोग हैं जो बदल से जाते हैं लेकिन जो वैसे ही रहे हैं आई थिंक नाना पाटेकर को मैंने देखा है वो जो हैं वो प्री मच वो वैसे ही वो खेतों में किसानों के साथ अपना वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो वैसे ही तो एक नाम तो डेफिनेटली नसीर भाई हैं जी। आ, you know, वो भी अपने थिएटर से जुड़े हुए हैं तो जिनको मैं इतने सालों से जानता हूँ Uh, हाँ तो ये कुछ नाम आए तो मैंने कहा बिजनेस मैन आ गए हैं ज़्यादा तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो सिर्फ बिजनेस से तोली जाती है वो सिर्फ नंबर्स में तोली जाती है कितने पैसे तो वो कभी कभी uh, हानिकारक हो जाती हैं कि अच्छा ये बिक रहा है अरे बट ये बिक रहा है लेकिन ये चीज़ तो आग अगर आग लगी तो आग तो भड़का रहे हैं बड़ी बिक रहा है इससे प्रॉफिट होगा तो ये एक मॉरल कॉम्पस जो अपने अंदर होना चाहिए ना वो पहले एक एक हद तक था मनमोहन देसाई साहब आप उनकी फिल्में देखें वो कभी भी लोगों को जोड़ने की बातें की उन्होंने अमर अकबर एंथनी ये हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख कोई क्रिश्चियन ये सारे लोगों को एक जो कहते हैं ना हिंदुस्तान को साथ लेके चले और सबको रिप्रेजेंट किया कि और एक दूसरे के साथ कैसे लोग रहते हैं और हिंदुस्तान ऐसे ही बनता है तो ये बहुत प्यारी बात थी वो एंटरटेन मसाला फिल्म थी लेकिन ये उनका आई थिंक हर फिल्म में यही मैसेज था कि भाई साथ चलो और ये मुल्क जो है बड़ा ही महान मुल्क है और ये सारे लोगों से मिल एक बनाए मुल्क किसी ने अच्छा शेर कहा है कि चमन में इख्तलात बू से बात बनती है इख्तलात मतलब तो अलग अलग किस्म के रंगों और और खुशबुओं से चमन में इख्तलात रंग बू से बात बनती है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तो ये जो प्रिंसिपल था आई थिंक ये मनमोहन देसाई साहब लेके चले और फिर आप देखेंगे कि हर राजश्री की फिल्में भी आप देखेंगे कैरेक्टर्स और हिंदुस्तानियत जो होती है तो ये हैं कुछ लोग लेके चल रहे राजू हिरानी कोशिश करते हैं हमेशा कुछ बात बोलने की अपनी फिल्मों के ज़रिए हाँ कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें <laughs> करते हैं क्या